फिलहाल इस नई मैच के साथ मैं हूँ हाजिर कर रहा हूँ, मेरे साथ कमेंट्री पैनल पर अजीत कुमार पान अपने आप की बिल्कुल इस कमेंट्री लाइन में जोड़ने को तैयार और दोनों ही टीम एक दूसरे को क्रॉस करने को तैयार। लीजिए संजय सवाल जी की लंबी सीटी और इस मैच की सवाल काफी एंटरटेनमेंट होगा। बैटिंग पर इस वक्त अजीत जैसे नंबर सेवन पर नजर आ रहे हैं और जितना सा मैंने पहले भी बताया था अजीत वनडे के तमाम बड़े धुरंधर एक दूसरे के साथ आमने और सामने काफी तुल्यपूर्ण एंड हाई वोल्टेज मुकाबला होने की संभावना है। बिल्कुल आगे मीन्स की आगाज हो चुकी है यहाँ दिल थाम कर इस मनोरम दृश्य का लुत्फ उठाए। यही है वो मीन्स जो वर्षों इन दोनों टीमों के बीच क्या ही चिर परिचित वर्षों से आती हुई ये दोनों ही एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं कि कौन से खिलाड़ी की क्या रेटिंग है। यहाँ दोनों ही दलों के बीच रोमांच की जो घड़ी हो रही है उस समय आरंभ हो चुकी है। दोनों ही टीमों की सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस होता हूं यहाँ रिमिक्स जमशेदपुर के ठीक हमारा मंच के बाई छोर पर यानी ऊंचाई विलेज इन साइड पर ये रिमिक्स लोहा नगरी से आई हुई जमशेदपुर की टीम और वही उनके खिलाफ डी आर बबलू फुटबॉल क्लब के ठीक मंच के दाएं ओर ये भी मोस्टली अधिक से अधिक खिलाड़ी इस जमशेदपुर के उस लोहा नगरी से ही दोनों ही टीमें पूर्वी सिंहभूम से और क्या गजब की मुकाबला यहाँ छिड़ चुकी है आरंभ हो चुकी है सब कुछ करने को तैयार हो चुके हैं। निश्चित तौर पर अब यह पहली संभावत वैसे होगा यहाँ सैक्ट्रेस के तौर पर डीजे जमशेदपुर की टीम को मिलती है। रंजीत मांडी जरूर है टीम में इस वक्त बबुल अच्छी जॉब से मोगा बबू जैसे लंबे का काठी के गोल की अच्छी बॉल यहाँ पर आया तो बिल्कुल इंसान को दी बॉक्स वहां से गेंद है बिल्कुल रिफ्लेक्शन के तहत वापस आई और इसी के साथ मैच की शुरुआत की तुलना में कहीं ना कहीं मैच पक्ष के अंदर कसने की तमाम तैयारी फिलहाल फिरोज अच्छी रिसीविंग यहाँ जर्सी नंबर 17 पे व्हाइट कलर की तरफ से आगे बढ़ने के क्रम में देखना पड़ेगा वन कट जी नहीं अभी भी अपने पाले में गेंद को रखने में सफल होते हुए फिरोज ये कैपेबिलिटी है इस खिलाड़ी में और फिरोज जैसा खिलाड़ी अटैकिंग मूड में हो तो यहाँ उनके विरोधी दल को बहुत कुछ गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इतने आसान से ये हार मानने वालों में से नहीं है। ये नॉकआउट के जगत में काफी परचम और सुर्खियां बटोरने वालों में से एक यही है लेजेंडरी ऑफ द फुटबॉल फिरोज खान वन मैन ऑफ द आर्मी लगातार यहाँ टाइम टू ट्राई मौके दर मौके मिल रहे हैं टीम को हालांकि इस मौके को भराने में अभी तक नाकाम है क्या इस मौके को भरा पाएंगे फिरोज एंड कंपनी लोह नगरी सबसे प्रतापशाली स्टील से आई हुई टीम है अच्छी गेंद लेकिन पूरी तरह से छाती हुई गेंद है लेकिन गोल के बीच का जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को डिस्कनेक्ट करना तो नहीं चाहेगी बिल्कुल नहीं चाहेगी काफी दोस्ताना रिश्ता रहा है फिलहाल एक अच्छी बॉल आई जरूर लेकिन संजय जी के चेटी भी आई और ये गोल की बिल्कुल आज सिंगल गेंद थी और फुटबॉल के क्षेत्र में गेंद हार ही और लकीर को क्रॉस करती है तो डेथ बॉल उसे तार दिया जाता है चीटी बजती है। अभी भी क्रिकेट में होता तो आप सीमारेखा से बाहर हुए आप गेंद को पंच मार के इनसाइड ऑफ दी फील्ड कर सकते हो वो चलता है क्योंकि क्रिकेट और फुटबॉल के जो नियम है इसमें बहुत सारे अंतरे हैं और फुटबॉल की मैचेस अगर देखे पूरी तरह से और यहाँ का ही रंजीत की लंबी गेंद एरियल गेंद डाली गई थी गोलकीपर के जोर से बाहर निकले और फसाने को सुंदर तरीके से फसाने को कैच करते हुए रिमिक्स फिलहाल और डिफेंडर लंबी गेंद को रिलीज करी जहां खिलाड़ी मौजूद है लेकिन पीछे पाएंगे एक प्रभु की रिपेंस की बात के कारण बिल्कुल यार एक दूसरे के खिलाफ से खासतौर पर बबलू फुटबॉल क्लब एक अच्छा संतुलित टीम नजर आती है कमाल का प्लेइंग नाइन यहां पर उतारते हैं मिस्टर रंजीत सरदार रंजीत महाती आज उनकी जरूरत पड़ेगी टीम को जिस तरह से वो खेलते हैं लैंडर बाबा तीनों बाबा के लिए दूसरा
तो जो जो टीम है आपने देखा है रणजी ने की टीम वरना टीम के तौर पर रही थी जरूर बट हार गए थे। बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा में अपने टीम को वहां मरवा चुकी है दोनों की टीम है। मैदान जो भविष्य की तरफ पूछा है ये फुटबॉल की जो सपना इन दोनों टीमों ने पूरा से करेगी इस राम को आता ये बेहद ही खूबसूरत और रोमांच देने वाली यहाँ सिर्फ संघर्ष नहीं हर चीज आपको देखने को मिलेंगे और फुटबॉल की जो चौधरी है ये आयताकार मैदान की चारों सीमा और एक और एक क्षेत्र ऐसा ना हो जो छोड़ा जाए की क्या सुंदर स्किल और सीधा रायगढ़ की डिफेंसिव हाफ गेंद क्रॉस डाली है लेकिन सपोर्ट देने वाले खिलाड़ी इंसाइड बल्कि बॉक्स के खिलाड़ी मौजूद नहीं थे स्वयं वहां पाया गया एक रायगढ़ कॉर्नर के रिपोर्ट से आपके खड़े हुए रंग की कोई मस्जिद करने में सफल हुई जरूर बिल्कुल हैडर कनेक्टिविटी कनेक्शन ला सकती थी डिपॉजिट कर सकते थे गेंद को सीधे जाल में बात करें इसके बाद वाले मैच के लिए। जी हाँ दोस्तों अभी रोमांच खत्म नहीं हुआ है बस जुड़े रहना है बने रहना है थोड़ा सा लंच करना है फिर जुड़ जाना है ऊंचाई के मैदान के करीब। जी हाँ आर एस स्पोर्टिंग और मिस्ट्री स्पोर्टिंग सरायकेला संबंधित दो टीमें हैं आज का प्रथम चक्र का लास्ट सेकंड मुकाबले के लिए आप दोनों टीम अपने आप को तैयार कर लें आर एस स्पोर्टिंग वर्सेस मिस्ट्री स्पोर्टिंग सरायकेला एक और तगड़ा मैच फिलहाल रेमिक्स गेम को लेकर आगे बढ़ने के उस क्रम में एक अच्छी वक्त आया लेकिन काफी हिस्सेदारी ली गई थी गेम को छीना गया विरोधी दल की ओर से बबलू एफसी और पास देने की उस फिराक में थोड़ा सा पीछे रह गए हालांकि गेंद आई हुई थी लेकिन वहां डिफेंडर को खोला गया और एक अच्छे डिफेंडिंग दोनों ही टीमों की ओर से इस मजबूत मैच के परिणाम को जानते हैं कि कहां तक झुकेगी और दोनों ही टीम है इस वक्त इस कदम फुटबॉल को खेल रहे हैं कि कभी भी और किसी भी वक्त इस मैच के नतीजे में टीम पहुंच जाएगी। फिलहाल तो पहली स्कोर की तलाश करती हुई दोनों ही टीम है युद्ध छिड़ चुकी है जो सुंदर अनाज हो तो नाजाने अंजाम कितनी रेखा होने वाली आप बने रहिएगा कहीं मत जाइएगा मैच के साक्षी बने कहीं ऐसा ना हो पूरी रामायण देखने के बाद सीता और राम को फोन फेंकने वक्त ही है और ना पूछेगा तो बेटर रहेगा इसलिए इस मैच के साक्षी बने इतिहास गवाह है खुद साक्षी बने और सही कहावत कह डाली है अजय तरह आपने रामायण आपने देख के खत्म करी कि बाद में मत पूछिएगा इस रामायण के कथा सीता और रावण और ये हनुमान कौन थे खुद बनी साक्षी रोज रोज इस प्रकार का आयोजन इस सुदूर वर्गीय क्षेत्र में विश्व क्लब के हवाले अगर जाना तो आपको फिर एक और महीना लग रहा है उधर इस प्रकार के नॉकआउट मैचेस के खिलाड़ियों को देखने तो चलिए इन सब बातों को जान विराम देते हुए काम खुदा पॉइंट आते हैं मैदान की तरफ जहां पर बेहतरीन पास क्वालिटी पास ऑफ कर रही है और हरी बॉल ही गेंद को बैकलेट की तरह बट लवली पंच है वहां पर बॉल के द्वारा जितनी सुंदर बॉल की करी गई थी झलकती हुई दोनों ही टीमों की ओर से और वो भी तो क्यों ना हो फुटबॉल के मैचेस का मूल मैंने इस कदर फुटबॉल की जलवा को देखते हुए दोनों ही टीमों को देखा है कई वक्त भले ही यूट्यूब के माध्यम से क्यों ना हो या लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से क्यों ना हो फिलहाल तो अजित सभी खिलाड़ी अपने टीम के लिए आन बान और शान का किरदार अदा कर रहे हैं इसी एक खिलाड़ी को आप महानायक का किरदार आ गई सेकंड हाफ की सिटी जितेंद्र हांसदा व्यवस्थापक एरेंजर ऑफ दिस टूर्नामेंट टेंथ वाले थोड़ी सी उम्मीद मिल रही है आपकी आपसे निवेदन है थोड़ा मंच पर आ जाए ठीक है अभी तक आया नहीं है सीधी बात है धन्यवाद। फिलहाल तो सेकेंड हाफ के बीच बिल्कुल ऑनगोइंग पोजिशन पर अवधि तक दोनों ही टीम इस कसमकस भरे मुकाबले पर एक दूसरे को पीछे छोड़ने की तमाम वो मैथमेटिक्स यहाँ रिपीट करते हुए बट अभी तक किसी प्रकार की संभावित जमानत है वो अपने टीम के लिए कर नहीं पाए हैं नतीजा 0-0 के लाइन पर है अभी तक दोनों ही टीम पार्टी रिसिस्टर
इसे क्यों गेंद को धकेला है, गेंद को आगे की ओर सरकारी तौर से फिर भी अच्छे बार अच्छे तालमेल का है दूसरो है शैली और हेड को कहीं देखा जाए इस बार छोट को बदला गया है बनाए छोट पर मौजूद प्राइज जैसे नंबर नाइन की अगर बात करें तो मिस्टर करण और वही जैसे नंबर ट्वेल्व यूसुफ टुडू पीछे प्रमुख डिफेंडर और फिर गेंद को आगे किया और सरकारी की उस क्रम में रोकने की कोशिश करेगी थी और सेहत जल्द पोजिशन को अपने नाम करते हुए वहां रिमिक्स जो से पकड़ किया और वहां रिमिक्स हुए और धरती से गले लगाने के बाद है और उस यहां की जरूरत है कि अपने आप में संतुष्ट नहीं है कि आप एक्सप्रेशन बयां कर रही है सपाट पीस थी वहां कोई गांस नहीं थी इस वजह से थोड़ी सी फिसलन स्माइल हुई फिलहाल एक पेनल्टी रेक करिए इसे क्या क्या है सुनना संजीव पांडे ये को रिलीज किया है लेकिन हवाई यात्रे पर ये को डिपॉजिट करते हुए दोनों भी प्रकार की किक में जो तालियां बजाते हैं बजाते नहीं तालियां कहते हैं तालियां तो वही करे तो बेहतर टॉस लगाएं थे साइड ऑफ द बॉक्स के साथ साथ ऑन टारगेट गेंद पर रखे तो नहीं बजेगी गालियां बजेगी गालियां जरूर बट अप्रूवल की बजाय अगर आप गेंद हवाई यात्रा पर भेजते हो तो कहीं ना कहीं गालियां जरूर बजती है फिलहाल कुछ क्षणों से देखा जा रहा है अजीत कुछ ना कुछ यहां रणनीति में फेरबदल जरूर करी है टीम बबलू फुटबॉल क्लब की टीम इस वजह से अभी तक इनका बॉल पोजीशन अपने पाले पर सर्वाधिक समय तक गेंद को अपने पाले में रखने में ये सफल नजर आ रहे हैं ये दर्शाता है कि इंटरवल के बाद कहीं ना कहीं रणनीति में काफी तेजी से यहां बदलाव आ रही है क्या ही सुंदर फुटबॉल की कैच एक छड़ी को लीड करने में सफल गति के साथ ऊंचा के साथ गेंद को क्या गति दिखाई है अनोखा ऊर्जा फुटबॉल स्थान बेहद है हुनर में किसी प्रकार की कमी नहीं लेकिन आखिरकार गलती कर बैठे वहां दो छड़ी के बीच करने में काफी आसानी के साथ फिलहाल गेंद को अपने पाले पर रखने में सफल हुए डीआर मगरूर की टीम दोनों ही छोर से एक टू एक मुकाबला बहुत छोर पर आक्रमण देखने को मिल रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने धर्म से खिलाड़ी जो है चहराने लगे और अमोल फुटबॉल की नजर मैंने देखा भाव ठीक हुए नहीं इंद्र से ठीक हुए नहीं सफल भी हुए थे लेकिन दोनों जो बड़ी दीवार है उन्हें जी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सही फिनिशिंग आ नहीं रही है ये एक अलग वजह बना इस मैच का जिस अंदाज के साथ रनिंग द बॉल आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं टीम के प्लेयर लेकिन वो फिनिशिंग की बारी जब तक आती है वहां पर फिनिशिंग देने में नाकाम नजर आ रहे हैं और जिस तरह से फिरोज की क्रॉस आई थी इससे पहले बाएं छोर से वहां पे फिनिशिंग लाइन में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और इस वजह से डिफेंडर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई गेंद को क्लियर करने में समझ ना पाया यहाँ पे बिल्कुल देखिए तो आपको मिलेंगे एक बेटर से बेटर यूट्यूबर और इस मैच के प्रीवियस यानी हाईलाइट मैच अगर आप देखना चाहें तो चले आइएगा यूट्यूब चैनल पर सर्च करिएगा बिरसा क्लब कुचाई 2023 की महासंग्राम महाकुंभ फुटबॉल की मुकाबला तो मिलेंगे इस मैच के भी हाईलाइट्स आपको फिलहाल की पहले क्या ही सुंदर और खूबसूरत पास वो खिलाड़ी के बीच में एक अच्छी तालमेल देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे पासों के साथ साथ आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े पासों भी खेल रहे की कोशिश ठीक है कठिनाई के एक Oh!
ज्यादा